हेलो डियर लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद छगनोडास। लर्नर्स, आज मैं आप लोगों के लिए फ्लेमिंगो का जो चैप्टर है गोइंग प्लेसेस, प्रोज का चैप्टर है गोइंग प्लेसेस, इस चैप्टर के कुछ एमसीक्यूज लेकर आया हूं। आई होप ये आपको एग्जाम में हेल्पफुल होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। माई वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डिड सोफी वॉन्ट टू ओन आफ्टर लिविंग स्कूल? अपना स्कूल छोड़ने के बाद सोफी क्या करना चाहती थी, क्या खोलना चाहती थी? He wants to own a boutique. Next है, who would Sophie want to be like? Sophie किसके जैसे बनना चाहती थी? तो इसका आंसर देखिए, इसका आंसर है Mary Quant. What does the weekly pilgrimage for Sophie's family refer to? इसमें एक वर्ड आता है weekly pilgrimage. Pilgrimage होता है तीर्थ यात्रा। तो सोफी के परिवार के लिए साप्ताहिक तीर्थ यात्रा क्या है? तो है that is to visit the football match. Which place according to Sophie was perfect to meet Danny Casey? Danny, सोफी के अनुसार Danny Casey से मिलने के लिए कौन सा प्लेस परफेक्ट था? इन सेक्लूजन नियर द कैनल, नहर के किनारे जो खाली जगह थी वो उसके अकॉर्डिंग Danny Casey से मिलने के लिए परफेक्ट था। हु वाज सोफीज एल्डर ब्रदर? सोफी के एल्डर ब्रदर का क्या नाम है? दैट इज जोफ। व्हाट वाज फादर्स रिएक्शन व्हेन जोफ मेंशन हिम ऑफ सोफीज मीटिंग विद Danny Casey? जब जोफ ने अपने फादर को ये बताया कि सोफी Danny Casey से मिली थी, तो उसके फादर का क्या रिएक्शन था? एक्सप्रेशन ऑफ डिस्टेन। उनके फादर का रिएक्शन था एक्सप्रेशन ऑफ डिस्टेन। सोफी फियर्ड शेयरिंग हर सीक्रेट्स विद जैनसी बिकॉज सोफी को जैनसी किसे अपने सीक्रेट बताते हुए डर लगता था। बिकॉज क्योंकि शी कुड नॉट कीप अ सीक्रेट, क्योंकि वो कभी भी कोई सीक्रेट नहीं रख सकती थी। Why did Sophie lie about meeting Danny Casey? Danny Casey से मिलने के लिए सोफी ने झूठ क्यों बोला? She wanted Joff's attention. वो जोफ का अटेंशन चाहती थी, इसलिए उसने ही झूठ बोला। Why did Sophie wriggle in her father's presence? अपने पापा के सामने सोफी डरती क्यों थी? She knew she had lied to him. वो जानती थी कि उसने उनसे झूठ बोला है। Why did Sophie throat tighten on seeing her mother? अपनी माँ का को देखते ही सोफी का गला क्यों डर जाता, मतलब सोफी क्यों डर जाती थी? उसका गला क्यों टाइट हो जाता था? Because her living conditions were unfavorable. क्योंकि उसकी जो लिविंग कंडीशन थी वो बिल्कुल भी फेवरेबल नहीं थी। विच एडजेक्टिव बेस्ट डिस्क्राइब सोफी? सोफी को कौन सा एडजेक्टिव बेस्ट डिस्क्राइब करता है? एन एस्केपिस्ट। वो जो एस्केपिस्ट वाला उनका जो है एडजेक्टिव है वो बेस्ट डिस्क्राइब करता है। व्हाई डिड सोफी डिस्करेज जैनसी फ्रॉम सीइंग अनरियलिस्टिक ड्राम्स? सोफी जो है वो जैनसी को अनरियलिस्टिक ड्रीम्स देखने से क्यों डिस्करेज करती है? यहाँ पे जैनसी आएगा। जैनसी सोफी को अनरियलिस्टिक ड्रीम देखने से क्यों डिस्करेज करती है? बिकॉज दे वर अनरियलिस्टिक। देखिए अनरियलिस्टिक है मतलब अवास्तविक है, इसलिए इसका आंसर है ए, दे वर अनरियलिस्टिक। व्हाट वाज वेरी पेनफुल फॉर सोफी टू एक्सेप्ट? सोफी के लिए सबसे ज्यादा एक्सेप्ट करना क्या पेनफुल था? हर फैमिलीज पुअर सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड, क्योंकि उसका परिवार जो था उसका जो बैकग्राउंड था वो बहुत ज्यादा कमजोर था। ये देखना सोफी के लिए बहुत ज्यादा पेनफुल था। इट इज ए हार्ड टाइम दिस सैडनेस। व्हाई सोफी फील सैड? ये बहुत मुश्किल समय है ये दुख जो है। बिकॉज ऑफ हर इमेजिनेशन, अपनी इमेजिनेशन के कारण सोफी को बहुत ज्यादा दुखी फील होता है। व्हाई डिड सोफी लाइक जोफ मोर देन एनीवन एल्स? सोफी जोफ को किसी और से ज्यादा क्यों पसंद करती है? ही वुड हेल्प हर अचीव हर ड्रीम्स। उसको ऐसा लगता था कि वो अचीव्स ड्रीम्स को अचीव करने में हेल्प करेगा। तो फ्रेंड्स, ये मैंने 15 एमसीक्यूज निकाल लिए हैं जो कि
इस चैप्टर पर मेरे से निकल सकते थे। आई होप अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना, और अगर आप केवीएस की तैयारी कर रहे हो तो आप मेरे ऐप इंग्लिश विद डॉक्टर छगन अरोड़ा पर आइए, आपको वहां पर केवीएस के लिए एक अच्छा सा कोर्स मिल जाएगा। थैंक यू, हैव ए गुड डे।